से सुनेगा, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार गंगा पार करने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे जो नाव थी वो सवारियों के साथ सामने वाले दूसरी तरफ किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक विद्वान पंडित जी भी उसमें सवार थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और उन पंडित जी को इस बात पे बहुत गर्व था कि उनके जैसा विद्वान कोई और हो ही नहीं सकता है। पंडित जी ने नाविक से पूछा कि क्या बेटा तुमने भूगोल पढ़ा है? वो बोला भला जो नाविक था वो बोला, महाराज भूगोल क्या होता है, इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तो पंडित जी भी होशियार थे, अपनी पंडिताई का, ये पंडितों की आदत बड़ी खराब होती, जहाँ बैठ जाए अपनी पंडिताई का प्रदर्शन करने लग जाते। तो वो भी अपना प्रदर्शन करने लगे और बोले कि तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई, यानी तुम्हारी जितनी भी जिंदगी है उसके पाव भर जो अभी तक जो तुमने व्यतीत करी वो पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम इतिहास जानते हो? वो नाविक फिर बोला, पंडित जी नहीं। फिर पंडित जी बड़े खुश होके बोले विजयी मुद्रा में, तुम ये भी नहीं जानते तो तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में गई। अपनी विद्या के मद में, घमंड में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न और पूछ लिया बेचारे से। वो क्या पूछा, रामायण का केवट श्री राम संवाद जानते हो क्या? वो अनपढ़ नाविक वो बोला, यार आज ये पंडित पता नहीं घर से लड़के आया क्या करके आया जो मेरी क्लास ले रहा है। उसने इशारे में कहा कि महाराज नहीं जानता, बख्शो मेरे को। पंडित जी फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में चली गई। तभी क्या हुआ, देखो भगवान का भी चमत्कार कि गंगा में पानी का प्रवाह तेज होने लगा। तो वो नाविक ने पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती, क्या आपको तैरना आता है पंडित जी? तो पंडित जी घबराहट में बोले कि भाई मैंने तो कभी जिंदगी में तैरा ही नहीं हूं। तो उस नाव वाले ने सिचुएशन को भांपते हुए कहा कि तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। और कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए और वो नाव वाला था वो तो तैर कर किनारे आ गया। तो कहानी का सबक ये है दोस्तों, गणतंत्र दिवस है, ज्ञान अर्जित करना एक सद्गुण है, लेकिन जब ये अहंकार में तब्दील हो जाता है तो ये बड़ा अभिशाप बन जाता है। अहंकार सिर्फ ज्ञान का ही नहीं, तपस्या, त्याग, सुंदरता, बड़े पद परिवार आदि का भी हो सकता है। अहंकार सदैव पतन की ओर लेकर जाता है, इसलिए इस अहंकार से बचना दोस्तों। जय श्री कृष्णा बोलिए।